चलिए साहब शुरू करें हम लोग। तैयार हो गए क्या आप लोग? टेबल हो गई सब आगे पीछे? भाई साहब चलिए। जिनवाणी मेरे को देना बताया, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। समय सार ग्रंथ आदिराज को खोल लूं मैं। एक सेकंड कहाँ हैं अपन आजकल? जय देवादि देव। चलिए हाथ जोड़ ले, आंखें बंद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। वंदितु सवसिद्धे धुवमचल मणोमम गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली मण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बावती रागादि विकलप तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। इसका रस ही कुछ अपूर्व है, जिसे सच में ये समय सार का रस आ जाता है फिर उसे जगत के सारे रस नीरस हो जाते हैं। अब कई लोग तो ये बात सोच रहे होंगे ये वाक्य सुनते ही कि अरे फिर तो समय सार नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि फिर तो कहीं मजा ही नहीं आएगा। अरे भाई जगत में मजा है नहीं, जहां जहां हम मजा मान करके बैठे हैं आनंद मान करके बैठे हैं सच में वहां रंच मात्र भी आनंद नहीं है, रंच मात्र भी मजा नहीं है। चर्चाएं यहाँ भक्ति की चल रही थी, मोह पर विजय प्राप्त करने की चल रही थी और प्रकरण का समापन कर दिया इस बात के आधार पर कि हे भव्य प्राणियों निश्चय और व्यवहार इन दोनों के यथार्थ स्वरूप को जानो, सच्ची भक्ति क्या होती है और झूठी भक्ति क्या होती है दोनों को पहचानो, कहीं ऐसा न हो जाए नकली भक्ति को असली भक्ति समझ करके बैठे हों। ये गलत फहमी बहुत खतरनाक चीज होती है भाई साहब। आज तक अनादि काल से गलत फहमी की वजह से ये जीव दुखी रहा है। कभी कभी ऐसी जिज्ञासा भी कर लेते हैं कुछ साधर्मी कि साहब जब असली में मुझ में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत सुख स्वरूप अंदर में विराजमान है, तो हमें एक बात बतलाओ फिर ये जीव दुखी क्यों है? यदि मुझ में सुख भरा है ना अश्विनी जी, मुझ में सुख भरा है ना कि हाँ सब सुख तो भरा है, तो फिर दुखी क्यों है? ये समझ में नहीं आती बात। सुख भरा है तो दुखी क्यों है भाई साहब देवेंद्र जी? क्योंकि हमें अपने सुख स्वरूप की खबर नहीं है। बस गुरुदेव सुनाते थे ना, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, काए भय कंगाल के गांठ खोल क्या करो। सबके पल्ले में लाल बंधा है, माणिक रूबी पल्ले में बंधा हुआ है। रूबी है ना, ये रत्नों का राजा कहलाता है, डायमंड नहीं है, रत्नों का राजा वो किंग है, रत्नों का, पत्थरों का, स्टोन्स का।
प्रीशियस स्टोन का, तो वो किसी के पल्ले में बंधा हुआ हो और फिर भी व्यक्ति भिखारी बनकर के फिर रहा हो, भोजन की व्यवस्था नहीं हो, खाने पीने के लिए भूख से तड़पता हो, बोले क्या है मेरे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं है, कि कंगाल क्यों फिर रहा है, इसके पल्ले तो वो रत्न बंधे हुए हैं, फिर क्या चक्कर है, बोले गांठ खोल देखी नहीं। भैया आज तक अनादि काल से ये गांठ खोल करके हमने नहीं देखी है, अंदर में चैतन्य स्वरूप दैदिप्यमान प्रकाशमान प्रकाश पुंज अंदर में मौजूद है, अनंत गुण संपदा का निदान ये प्रभु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान है। अभी तो पवैया जी साहब ने विधान में कह दिया था, बना बनाया भगवान अंदर में मौजूद है। जब अंदर में बना बनाया भगवान मौजूद है तो फिर ये भक्त बनकर के क्यों फिर रहा है, कि मैं भूला निज भगवत्ता, बस मुझे अपने भगवान स्वरूप की खबर नहीं है, अपने परमात्मा स्वरूप की खबर नहीं है। 27 और 28 नंबर का कलश कल हमने यहां पढ़ा है, आज फिर कलश पढ़ के पद्यानुवाद पढ़ते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं, पेज नंबर है 75 और जो हमारी पुस्तकें जन जन के पास में पहुंचाई गई है समय सार उनमें है 82-82 नंबर पेज। खैर पेज कोई भी हो, कलश 27 और 28 है। एक एक त्वं व्यवहारे तो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयान् नु स्तोत्रं व्यवहारे तोऽस्ति वपुषः स्तुत्यान तत्त्वतः स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चेत् स्तुत्येव सैवं भवेन् नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्गयो इति परिचित तत्त्वैरात्मकायैकतायां नये विभजन युक्त्यात्यंत मोचादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवाद्यकस्य स्वरसरभ सकृष्ट प्रस्फुटनेक एव स्वरस रभ स्वरस भर आना चाहिए, स्वरस भर सकृष्ट है, अपने रस से भरा हुआ स्वरस भर सकृष्ट है प्रस्फुट ने एक में एव, क्या गजब गजब की बातें कहते हैं। देखिए पद्यानुवाद पढ़ते हैं, इस आत्मार देह का एकत्व बस व्यवहार से यह शरीराश्रित स्तवन भी इसलिए व्यवहार से परमार्थ से स्तवन चिद भाव का ही अनुभवन परमार्थ से तो भिन्न ही है देह अर चैतन्य घन इस आत्मार देह के एकत्व को नए युक्ति से यदि भावना है भाव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। भैया यदि भावना है हे भव्य जीवों, यदि आपको भावना है तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो, तो फिर सद्बोध की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध की प्राप्ति होगी, नियम से सद्बोध की प्राप्ति होती है। ये समापन था 26 नंबर गाथा से 33 नंबर गाथा के प्रकरण का, आगे पढ़ते हैं, अनुवाद नहीं पढ़ रहा हूं मैं, वैसे अनुवाद में भी सुंदर पंक्ति है, नीचे की 3 लाइनें देख लो, 28 नंबर कलश का अनुवाद देखो जरा, जब तत्व से परिचित मुनिराजों ने भावलिंगी संत तत्व से परिचित
तत्वज्ञ, तत्व मर्मज्ञ, अनुभव रस में निमग्न रहने वाले, अतिंद्रिय आनंद रस में क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर डुबकी लगाने वाले ऐसे भावलिंगी वीतरागी संत, देह में रहते हुए भी जिनकी दशा सदा काल देह से अतीत वर्तती है, ऐसे मुनिराजों ने स्वयं अनुभव संपन्न है, इसलिए जगत के जीवों को अनुभव का रास्ता और मार्ग दिखाते हैं। ऐसे मुनिराजों ने आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार, बोले किस प्रकार, बोले पिछली गाथाएं पढ़ो, अब इस प्रकार को जानने के लिए, तो इस प्रकार नए विभाग की युक्ति द्वारा, नए विभाग की युक्ति द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। ओहो कि अरे भाई, शरीर और आत्मा इनसे भेद विज्ञान करते हुए यदि इनके एकत्व को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक दिया तो अब तो फिर लड्डू का स्वाद कैसे लेगा, अब खीर का स्वाद कैसे आएगा, अब गुलाब जामुन कैसे खाएगा, अब स्पर्शन इंद्रिय के भोगों को कैसे भोगेगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ये जीवन कैसा हो जाता होगा, सनमती जी नीरस हो जाता होगा जीवन, न कर्ण इंद्रिय के भोग हैं, न रसना इंद्रिय के विषय हैं, न स्पर्शन इंद्रिय के भोग हैं, आपने तो उसको भिन्न कर दिया, ये क्या कर दिया आपने, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, सबको निकाल दिया आपने, अब क्या होगा। तो बोले सुनो तो सही क्या कह रहे हैं, तब जब अपने उपयोग में से, जब अपनी दृष्टि में से, जब अपनी बुद्धि में से ये जीव निकाल फेंकता है बाहर किसे, देह के प्रति एकत्व को, तब निज रस के वेग से आकृष्ट हो जाता है। ओहो, देह का रस टूट जाता है और चैतन्य का रस प्रकट हो जाता है। शरीर का रस टूट जाता है, देह के प्रति अपनापन छूट जाता है और चैतन्य के वेग से आकृष्ट हुए प्रस्फुटित किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त नहीं होगा। एक बार देह से भिन्न अपने चैतन्य तत्व का अनुभव करने का प्रयत्न तो करो भाई, एक बार देह से पृथक होकर के अपने आत्म तत्व को देखने का प्रयत्न करो, एक बार क्षण मात्र के लिए ही सही, लेकिन प्रयत्न तो करो, देखो तो सही है देह देवल में विराजमान चैतन्य तत्व कैसा दिखाई देता है, कोशिश तो करो। कैसे करें भाई साहब, जब यहाँ प्रवचन सभा में बैठते हैं तब भेद विज्ञान की चर्चाएं होती है, बाकी भेद विज्ञान तो कुछ होता नहीं है, लेकिन भाई भेद विज्ञान तो प्रतीक्षण करो रे, ऐसी चीज है, प्रतीक्षण करो भेद विज्ञान, प्रतीक्षण करो। अभिनंदन जी भाई साहब लाइन बतला देंगे, अभी कहाँ लिखा है, 122 कलश, बोलो। सूक्ष्म काल मात्र भी आत्म स्वरूप का विस्मरण करने योग्य नहीं है क्या, सूक्ष्म काल मात्र भी, क्षण मात्र के लिए भी अपने स्वरूप को भूल जाने योग्य नहीं है। देह में जैसी एकत्व बुद्धि है, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपना नाम कब भूल जाते हैं, बताओ कब भूल जाते हैं भाई प्रासुक, कभी नहीं भूलते हैं अपन, हमेशा नाम चलता, हमेशा ही 24 घंटे ही, कभी कभी रटते होंगे, कभी नाम याद करते होंगे, देवेंद्र जी वैसा कभी कभी होता है ऐसा, धर्मेंद्र जी कब कब याद आता है आपको, आप कब याद किया था आपने, अच्छा लास्ट बार कब बोला था आपने अपना नाम, आपने तो नहीं बोला होगा, मैं तो बहुत बार बोलता हूं, आपने अपना नाम कब बोला था, बोलो अनुभव जी आपने अपना नाम कब बोला था, अभिषेक जी कब बोला था आपने अपना अपना नाम, खुद का नाम, फिर किसी ने पूछा होगा तो बताया होगा, पूछा ही नहीं किसी ने बहुत बरसों से, तो अब बरसों से किसी ने पूछा ही नहीं तो हमने बोला भी नहीं, तो अब जब आपने अपना नाम नहीं बोला, साल डेढ़ साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए किसी को अपना नाम बोले हुए, तो भूल गए होंगे क्या। अनवरत चलता है, अनवरत नॉन स्टॉप अंदर में धारा प्रवाह रूप से उस नाम के साथ में मैं पने की अनुभूति नॉन स्टॉप धारा प्रवाह रूप से चल रही है। ये देह में जो एकत्व बुद्धि की धारा चल रही है, क्षण मात्र के लिए ही सही, अपने आप को देह से भिन्न होकर के देख तो सही एक बार, ये परमात्मा प्रति क्षण पर्याय में दर्शन देने के लिए बैठे हुए हैं कि साहब मैंने देह से अपनापन तोड़ दिया और आत्मा से अपनापन नहीं हो पाया तो मैं तो अधर झूल में लटक जाऊंगा ना, इधर के रहे ना इधर के,
ऐसा होता है ना कभी कभी, वो गुरुदेव सुनाते थे मक्की का प्रसंग, भंवरा आया और लेकर के चले गया साथ में, कहाँ बैठी है यहाँ पे बेष्टा के पास में आसपास में, मेरे साथ में चल। दोनों चार इंद्रिय हैं, दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही फैमिली के तो है ना दोनों, तो कोई रिलेशन में लगता होगा। भ्रमर भंवरा चार इंद्रिय मक्की के पास में चला गया, क्या बेष्टा है, कहाँ गंदगी के अंदर रहती है, मेरे साथ में चल, अद्भुत सुगंध मिलेगी तेरे को वहां, देख करके दंग, ऐसी सुगंध तूने कभी देखी नहीं होगी। अच्छा चलो चलते। मक्की को साथ में लेकर के वो भंवरा फूलों के बीच में चला गया क्या, और फिर पूछा कि आ रहा है आनंद, अद्भुत आनंद फूलों के बीच में, फूलों की सुगंध, कितनी सुगंध आ रही है। तो जवाब क्या मिला भाई साहब, बिल्कुल वैसा ही, जैसी गंध वहां थी, जैसा आनंद वहां था, बिल्कुल वैसा ही आनंद यहां भी आ रहा है। ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है भाई साहब, ये चक्कर क्या है, जैसा वैसे वैसी भेष्टा जैसी बात, वैसे वैसी दुर्गंध, वैसा ही आनंद इसको यहां भी आ रहा है। हो क्या गया कि थोड़ा सा अपना मुंह ऊंचा करना और देखा तो नाक में भेष्टा की कणिका दबा करके छिपा करके लेकर के आई थी मक्खी, एक चांटा मारा खींच करके कि अब देख जरा, और बात ही बदल गई। ये क्या हुआ, विकल्पों में ऐसा आ गया था कि मैं विष्टा के इस दुर्गंध या सुगंध जो भी उसे लगती है इसे छोड़ करके फूलों के बीच में चले जाऊं, और यदि मुझे वहां की गंध पसंद नहीं आए तो ये भी छूट जाएगा और वो भी छूट जाएगा। अरे जगत के जीवों की दशा ऐसी ही दिखाई देती है, जिनेंद्र देव के चरणों में आकर ये वीतरागी तत्व ज्ञान और भेद विज्ञान की चर्चाएं, अतिंद्रिय आनंद रस प्रकट हो जाए जिन चर्चाओं को सुन करके, ये सुनने के लिए तो आता है, लाभ लेने के लिए तो, लेकिन अपने नाक में, अपने डाढ़ में, अपने हृदय के कोने में वही विषया शक्ति उनके कणिकाओं को दबा करके लेकर के आता है कि प्रभु के द्वारा बतलाई गई ये वीतरागता की बातें, ये इसको वैसी ही लगती है, बिल्कुल वैसा ही आनंद आता है जैसा आनंद फिल्मी धुनों पर नाचने में आता है, जिन मंदिर में आकर भक्ति में भी इसको वैसा ही आनंद आता है। ये क्या हुआ, ये क्या है, अरे बिल्कुल ऐसा ही, आज तो यहां मंदिर में इतना डांस किया, हमें तो उनकी बारात का डांस याद आ गया। अरे मूर्ख क्या बताए, इसको वैसी फीलिंग आती है, इसको विषय कषायों जैसी फीलिंग आती है। यहां जिन मंदिर में आकर के ये बातें सुनकर के भी इसे वैसे कर्णेन्द्रीय के विषय जैसे लगता है। अरे भाई साहब आपने क्या व्यवस्था की यहां पर, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आ रही थी, कि घर जैसी फीलिंग के लिए आया था क्या समाव शरण में। अरे सौजर्मेंद्र जी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारे को यहाँ बुलाया समाव शरण के अंदर, कैसी आव भगत आपने की, समाव शरण में आपने निमंत्रण दिया था, हम आए समाव शरण में, बिल्कुल भूख प्यास सर्दी गर्मी, बिल्कुल एटमोस्फियर मौसम बहुत अच्छा था, 14 देवकृत अतिशय थे, क्या सुंदर वातावरण था, यही समाव शरण की महिमा है। समाव शरण में आकर के इसी ब्यूटी को देखने के लिए आया था क्या, समाव शरण में जो तीर्थंकर परमात्मा दिखा रहे हैं उसे क्यों नहीं देखा। तो साहब ये तीर्थंकरों का स्तवन ऐसा किया तो है, बोले सब व्यवहार से किया गया स्तवन है, जरा सुनो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार अज्ञानी ने तीर्थंकरों के व्यवहार स्तवन के आधार पर जो प्रश्न खड़ा किया था, अज्ञानी ने प्रश्न खड़ा कर दिया था 26वीं गाथा में व्यवहार स्तवन के आधार पर, उसका नए विभाग से इस प्रकार उत्तर दिया है, ऐसा उत्तर दिया है नए विभाग से, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव ने सिद्ध कर दिया, अमृत चंद्राचार्य देव ने तर्क देकर के सिद्ध कर दिया, गुरुदेव श्री ने उन बातों पर व्याख्यान करके प्रवचन करके खूब खोल दिया, दादा ने अनुशीलन लिख करके खूब विस्तार दे दिया कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, विद्वानों को आपने यहाँ कोलारस में बुला बुला करके सुन सुन करके पक्के हो गए शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन शरीर और आत्मा के अलग अलग पन की चर्चा करते हुए भी प्रतिक्षण शरीर और आत्मा को एक ही मानते रहे, ये साधारण चीज नहीं है देह और आत्मा का भेद विज्ञान,
ये शब्दों की चीज नहीं है भाई साहब, शब्दों में आने जैसी चीज नहीं है विवेक सिंघई जी। शब्दों में तो बहुत बार आया है, सुना भी है और सुनाया भी है, फीलिंग में क्या आता है ये बतलाइए। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, मैं भिन्न चैतन्य तत्व हूं, ये बात अनुभव में आती है या नहीं, ये बात भेद विज्ञान का विषय बनती है या नहीं, ये भेद विज्ञान की धारा बराबर चलती है या नहीं, अनुभव में आता है कि शरीर अलग है, ये वो अनुभूति है भाई साहब। सारे शारीरिक मानसिक कष्ट दूर हो जाए, ये वो अनुभूति है। आपको यदि आज पैर दर्द करता है, आपको यदि कमर दर्द करती है, आपको यदि थकान महसूस होती है, इसका मतलब आप शरीर में एकत्र बना करके बैठे हो। आप देखिए हमारे महामुनिराजों को जो ये कह रहे हैं कि देह के प्रति आत्मा और देह के एकत्वपन का निषेध, एकत्वपन को जड़मूल से निकाल करके फेंक दिया, ये जो बात जिस दम से कह रहे हैं आचार्य देव, इसका मतलब ये है कि माथे पर तीन सिगड़ी जलते हुए भी, गले में तीन दिन तक सर्प पड़ा हुआ होते हुए भी, गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए दिए होने के बावजूद भी रंच मात्र माथे पर तीन सल नहीं है, क्या बात है। आखिर अनुभव करते हैं वो, देह से भिन्न अनुभव करके देखो। आज अभी यहां से बाहर निकले, थोड़ा सा खांसी जुकाम था, डॉक्टर के दिखाने के लिए चले गए, जबरदस्ती किसी ने देख लिया और टेस्ट करा दिया कि नहीं भैया दो तीन बार छींक दिया, इतनी भीड़ भाड़ के अंदर तुम आते हो, कल से आना, मैं टेस्ट कराओ पहले तुम। हाँ नहीं आने देवे आप, आस पास में सब लोग मना कर देवे, आप लोगों को जुकाम उखाम तो नहीं है किसी के ज्यादा, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति छींक देवे ना तो ये घबराने लग जाता है यार कहीं। माहौल बड़ा विचित्र है आजकल पूरे देश का। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अभी यदि डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने रिपोर्ट इस तरह की आ गई कि उसमें आपके कोरोना हो गया, कि और कुछ हो गया, कि और टेस्ट हो गए थे, उसमें कैंसर आ गया, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, अंदर ब्लॉकेज आ गए, आपकी स्थिति क्या होती है? माने हार्ट की नसों के ब्लॉकेज को देखकर कैसी पीड़ा होती है, और अंदर उपयोग की जो धारा चैतन्य स्वभाव के साथ में जुड़ने वाली थी, जुड़ सकती थी, उसमें जो ये विकार का ब्लॉकेज बार बार में आ गया है, उसे देख करके टेंशन नहीं होती है, लगता नहीं है कि ये मिथ्यात्व की धारा कैसे प्रवाहमान हो रही है, ये फीलिंग में क्यों नहीं आती है ये बात, ये भेद विज्ञान की धारा बहन जब करें क्या आप तो ये बतलाओ पंडित जी। अरे भाई साहब भेद विज्ञान प्रतीक्षण करो कि करें कैसे, करें कैसे, ऐसे करो। देखो होता ऐसा है, जब जब हम किसी विषय को, किसी कार्य को और उस कार्य का कर्ता अपने को मानते हैं तो भेद विज्ञान नहीं हो पाता है। तो भेद विज्ञान तब होता है जब कोई हमारे प्रतिकूल चलता है, तो बस सीधा सा फॉर्मूला है, प्रतिकूलताओं को हाईलाइट करो। क्या भाई साहब, जब किसी ने कहना नहीं माना उस बात को हाईलाइट करो, उससे भेद विज्ञान हो गया। अब शरीर हमारा कहना नहीं मानता तो ये शरीर से भेद विज्ञान करने का बहुत बड़ा आधार है। पैर सो गया, पैर सुन्न हो गया, पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं, हवा बहुत तेज लग रही है, ठंडे हो रहे हैं, ये कैसे गर्म होगा, और वो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये तेरे हिसाब से चलता नहीं है। जो तेरे हिसाब से चलता नहीं है तू उसके लिए अपना क्यों उपयोग बर्बाद करता है। शरीर का एक एक अंग, एक एक परमाणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमन करता है, उस पर हमारी चलती नहीं है, हम जबरन उसके ऊपर चलाने की क्यों चेष्टा करते हैं? बाल काले से सफेद हो रहे हैं, सर से झड़ रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां बढ़ रही है, कहीं पिंपल्स निकल रहे हैं, कहीं झुर्रियां पड़ गई, कहीं काला पड़ गया, कहीं नाखून ज्यादा कट गया, कहीं पेट दर्द हो रहा है, कहीं दस लग गए हैं, कहीं कुछ हो गया है, कितनी कितनी तकलीफ, कितनी कितनी स्थितियां आप देखो तो सही। रोजाना कभी घुटने दर्द करने लगते हैं, कभी बैठा नहीं जाता है, कभी कमर दर्द हो रही है, कभी कितनी बीमारियां हैं। आपके तो कोई तकलीफ नहीं है भाई साहब? कोई दवाई ववाई तो नहीं लेते आप लोग? कोई दवाई ली थी क्या आपने? कल किस किसने दवाई नहीं ली, हाथ खड़ा करो। सबने लिए? बीमारों के नगर में आ गए हूं, सबने दवाई लिए भाई साहब? आपने भी लिए? हे भगवान,
क्या ली तो मैंने भी थी कौन सी, लेकिन क्षुधा रोग विनाशनाय भोजनम स्वाहा। क्षुधा रोग था ना, ये बीमारी थी ना, भूख प्यास सर्दी गर्मी के रोग लगे हैं भैया, ये बीमारी मेरी नहीं है। लेकिन तन का रोग तो रोग लगता है हमारे को, देह का रोग तो रोग दिखाई देता है, लेकिन अंदर जो चैतन्य में जो रोग है, जो बीमारी है, जिसकी वजह से वास्तव में मैं दुखी हूं। तन की परिस्थितियां प्रतिकूल हो, ये दुखी करने में समर्थ नहीं है, लेकिन यदि मन विचलित हो तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता है। ये भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं यहां, ये सिद्ध कर दिया जब पिछली गाथाओं में, टीका में, कलशों में ये बात सिद्ध कर दी गई है, तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, आप सिद्ध कीजिए ना, आंख पे चश्मा क्यों चढ़ गया, आप सिद्ध कीजिए ना कि दांत क्यों हिल रहा है, हमारी नहीं चल रही है, ये धारा क्यों नहीं बहती है। रोग के काल में तो भेद विज्ञान और ज्यादा पुष्ट होना चाहिए, बीमारी के काल में तो पैरालिसिस हो गया, बीमारी हो गई, बुखार हो गया, ऐसे समय में तो ये भेद विज्ञान की धारा और ज्यादा ऐसी बलवती होनी चाहिए कि देखो देखो मैं चलाना चाहता हूं और चलता नहीं है, देखो मैं खड़े होना चाहता हूं और खड़े नहीं हो पा रहा हूं, मैं चलना चाहता हूं और चल नहीं पा रहा हूं, अरे मेरी चलती ही नहीं है, तो जहां मेरी चलती नहीं है मैं वहां चलाने का क्यों प्रयत्न करता हूं। ये पाप कर्म के उदय से ये प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थिति के काल में भी दुखी नहीं होना ये मेरे हाथ में, ये मेरे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। देह का बल टूटता हो तो टूटने दो, आत्मबल बढ़ना चाहिए। शरीर की शक्ति क्षीण होती हो तो होने दो, अंदर में चैतन्य शक्ति का बल आना चाहिए। बाहर में रस है ही नहीं, आएगा कहां से, इसलिए उसके रस की तरफ से दृष्टि हटे और चैतन्य का रस अंदर में जागृत हो, ये कार्य होना चाहिए। काम तो ये है करने योग्य, असली काम तो ये करने योग्य है, अंदर में देखा नहीं निज आत्मा, बस बाकी तो गाथाएं रट गई हमारे को, कलश याद हो गई, टीकाएं याद हो गई, और किसी से भी पूछ लो, सभा में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि शरीर और आत्मा एक है, कोई नहीं कहेगा। मैं ही मिलूंगा एक ऐसा जो कह दूंगा शरीर आत्मा एक है, व्यवहार से 26 नंबर में कहा है ना, कुंद कुंदाचार्य देव ने खुद ने कही है ना, लेकिन भाई शब्दों का विषय नहीं, फीलिंग में आनी चाहिए। यहाँ बैठे बैठे भी कान नहीं सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे, तो जरा एक बार आंख बंद करके ऐसा विचार करके तो देखो, जरा कान सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहा है, कौन सुन रहा है, सुनने का काम कौन कर रहा है। ये सुनना ये तो कर्णेन्द्रिय जनित दिखाई देता है, लेकिन सुनने का मतलब सुनना नहीं होता, सुनने का मतलब जानना होता है, मात्र जानना। मैं तो जाननहार तत्व हूं, ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा और क्या कर सकता हूं मैं तो सिर्फ जानने वाला तत्व हूं, ज्ञान के अलावा तो मैं और कुछ काम करता ही नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान, अभी क्या कर रहे हो, बैठे हैं प्रवचन सुन रहे हैं, अरे जान रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जान रहा हूं, जानने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। शरीर और आत्मा को भिन्न जानना है हमारे को, भोजन करते करते भी भोजन करने वाले को भिन्न जानना है, करने के काल में भी, करते हुए के काल में भी, भोजन का परिणमन भोजन में हो रहा है, देह का परिणमन देह में हो रहा है, राग का परिणमन राग में हो रहा है, और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में हो रहा है। मैं ज्ञानवान तत्व हूं ये कह रहे हैं, सिद्ध कर दिया है, ऐसा सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार प्रथम कलश में संपूर्ण प्रकरण के निष्कर्ष को अत्यंत सीधी और सपाट भाषा में प्रस्तुत कर दिया गया है कि निश्चय से आत्मा और शरीर किसी भी रूप में एक नहीं है, भिन्न भिन्न ही है। निश्चय से शरीर और आत्मा किसी भी रूप में एक नहीं है। अब ऐसा लगता है जैसे युगल जी बाबूजी की पंक्ति है, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, जरूरत ही नहीं इससे ज्यादा ज्ञान की। क्या पढ़ रहे हैं आजकल, ये गोमट सार पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं आजकल, त्रिलोक सार का स्वाध्याय चल रहा है, भूगोल पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं पंडित जी आजकल तो वो समावशरण का प्रकरण पढ़ रहा हूँ, थोड़ा वो कल्पद्रुम चल रहा है ना, तो थोड़ा समावशरण को समझ लेवे अपन, समावशरण का क्या स्वरूप है। अभी तो गुणस्थानों की चर्चा चल रही है, अभी तो मार्गणा स्थान पढ़ रहे हैं, अभी तो ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, समय सार का स्वाध्याय चल रहा है। अरे समय सार का स्वाध्याय कितनी बार करेगा भाई, समय सार का स्वाध्याय तो एक बार हो जावे तो काम हो जाए बस। सब में करने योग्य काम है भेद विज्ञान, एकमात्र कार्य है।
कोई ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतनी ज्ञान की निर्मलता चाहिए, बस एक ही वाक्य की रटन लग जाए बस, तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभावो ये नामेण ये शिव हुई केवल नाणी फड़म जाओ, बस कुछ नहीं, तुस्मासम घोषंतो, तुस्मासम घोषंतो, तुस्मासम घोषंतो, क्या है ये, तुस अलग है मांस अलग है, तुस अलग है मांस अलग है, छिलका अलग है दाल अलग है, दाल और छिलका अलग अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसी धुन सवार हो जाए, माला का जाप करो इस तरह से नॉन स्टॉप ये बात चलती रहे। जैसे ही भाई साहब ये वेद विज्ञान की धारा अंदर में चलने लगती है, अब कष्ट बतलाओ कितना है, सर में बाल झड़ रहे हैं, तकलीफ कितनी है, बोले बाल ही नहीं है मेरे, बाल ही नहीं है, झड़ते तो झड़ने दो मुझे क्या फर्क पड़ता है, वजन बढ़ रहा है भाई साहब बहुत ज्यादा, वजन बढ़ रहा है कि किसका, मेरा बढ़ता ही नहीं है कि नहीं, कम हो गया बहुत ज्यादा, मेरा कम होता ही नहीं, मैं मर जाऊंगा कि मैं मरता ही नहीं हूं, आप देखो तो सही, चलते चलते पैर फिसल गया एकदम, कैसे लगता, और यार बच गए भाई साहब, रोड क्रॉस करते समय एकदम गाड़ी आई तेजी से आ रही थी सामने से, और बगल में आकर के तेजी से ब्रेक लगाया उसने, आकर के तो ब्रेक लगाया, एक इंच की दूरी पर जाकर के रुक गई गाड़ी तेजी से, ऐसे आकर के 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती है भाई साहब, क्यों वाहज तो भाई साहब क्या बताऊ बच ही गया बस इन्होंने बचा ही लिया, क्या हुआ क्या बताओ तो सही, और थोड़ी सी कषाय तेज हो तो भड़क जाएगा उसके ऊपर, ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या, देख करके नहीं चलाते हो, मर जाता तो अभी, वो सामने वाला कहता है भाई साहब देख के चलाई तभी तो बच गए देख के नहीं चलाता तो उड़ा ही देता मैं, बच गए ना आप, हमारी फीलिंग कैसी होती है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं हमारी फीलिंग में क्या आ रहा है, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, अमरता की चर्चाएं करेंगे, अभी यहां से निकल करके बाहर निकल करके यदि कोई ऐसा हादसा हो जाए तो बोलो क्या फीलिंग में आता है, सब बातें धरी रह जाती है एक जगह पर, ये कह रहे हैं सीधी और सपाट बात है भाई, गुरु ने बताया मार्ग सीधा वे सपाट रे, गुरु ने बताया मार्ग, फिर हुआ क्या, मेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे, क्या बतलाए भाई साहब, मार्ग तो इतना सरल है, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है, अत्यंत सरल मार्ग है, कि साहब मुझे 47 शक्तियों के नाम याद नहीं होते, बोले क्या जरूरत है नाम याद करने की, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना शिव भूति जैसा क्षयोपशम है क्या, 47 शक्ति 7 तत्व 6 द्रव्य के नाम तो याद नहीं होते, लेकिन दुकान में कितने प्रोडक्ट हैं और सबकी कितनी कितनी कीमत है, और कीमत भी एक एक नहीं 3-3, क्या मतलब, खरीदने का दाम कितना था, बताने का कितना है, और फिर फाइनल यदि वो बार्गेनिंग करने लग जाए तो कहां तक उतरना है क्या 3-3 दाम दिमाग में होते हैं भैया, ये जो वहां तो बहुत होशियार बनता है, वहां तो कोई यदि मंद बुद्धि कह देवे तो कहने लगता है क्या बात कर रहा है, वहां तो होशियार समझता है, और जब यहां ये कह रहे हैं भैया खूब याद करना, खूब अभ्यास करना, और फिर भी यदि कदाचित नहीं होवे तो समझ लेना क्षयोपशम की दशा है, इसमें क्या दम है, किस किस को जानेंगे, किस किस को पढ़ेंगे, एक को पढ़ लिया तो सबको पढ़ लिया, एक चैतन्य तत्व का अनुभव कर लिया तो सबका अनुभव हो गया, बस ये शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कितना सरल दादा ने यहां लिख दिया है, कितना क्या शब्द दिया है यहां, निष्कर्ष को, पूरे प्रकरण के निष्कर्ष को अत्यंत सीधी बात, दो टूक बात और सपाट भाषा में प्रस्तुत कर दिया है, इससे सरल क्या बात होगी, कल हमारे कह रहे थे ना अभिषेक जी वो चाय प्या बना करके पीना, वो आसान है कि सम्यक दर्शन आसान है, कल कह रहे थे चाय में झंझट बहुत है, तो पंडित जी आपको तो बनी बनाई मिलती है, आजकल मिल रही है, बड़े चक्कर है भाई साहब, दादा कहते हैं एक कप चाय का प्याला बना करके पीना, बोले उससे आसान है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना,
वो पराधीन काम है भाई, ये स्वाधीन क्रिया है, स्वाधीनता का मार्ग है। इससे इससे सरल और क्या बात हो सकती है। युगल जी बाबूजी के शब्दों में कहूं तो मूंगफली छील करके खाना जैसे आता है वो सम्यक दर्शन ले सकता है। आता है ना मूंगफली छील करके खाना, किसी को नहीं आता क्या? मूंगफली छील करके खाना आता है कि नहीं? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, मूंगफली छील के खाना क्यों नहीं आता है? ऐसे छीलते हैं, फिर अंदर जो गुठली होती है उसको कचरे में डाल देते हैं और खा लेते हैं। गुठली खाते हो क्या? कैसे खाते हैं मूंगफली? उसको खोला और खोल करके अंदर गुठली तो डालना है और छिलका खाना है। आज तक क्या करते आए हो ये बताओ, यही तो करते आए हैं हम। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो कि कर लिया भेद विज्ञान, शरीर अलग है और आत्मा अलग है कि तुम कौन हो कि मैं तो शरीर ही हूं, आत्मा तो मुक्ष मंडल स्वाध्याय प्रवचन सभा पंडितों का काम है, आत्मा आत्मा का तो, आत्मा तो पंडितों की है, सोनगढ़ वालों की है आत्मा तो है? भैया क्या कह रहे हैं यहां? देखो भैया सीधी सरल बात है, अत्यंत सपाट बात है, इससे ज्यादा सरल और कोई बात हो नहीं सकती है। इतनी सरल बात कह रहे हैं, अत्यंत सीधी और सपाट भाषा में प्रस्तुत कर दिया कि निश्चय से हकीकत में वास्तव में फैक्ट यही है कि आत्मा और शरीर किसी भी रूप में एक नहीं है, किसी भी रूप में एक नहीं है। इससे सरल और क्या बात कह सकते हैं? जब एक नहीं है तो सर्दी किसे लगती है? ठंड बहुत पड़ रही है वैसा आपके कोलारस में, ठंड पड़ रही है, किसे लग रही है ठंड? होता क्या है ठंड? आत्मा को ठंड लगती है क्या? मैं शरीर हूं या आत्मा? यदि मैं आत्मा हूं, रोज करना है। मैं तो ये छोटी छोटी सी बातें इसलिए कह रहा हूं आपको जिससे थोड़ा प्रैक्टिकल करते रहे भाई साहब खड़े खड़े। अभी जब यहां से मंदिर से हॉल से निकल करके बाहर जाकर के धूप में खड़े होंगे ना, अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, अब फील करो जरा अंदर, यहां जो ठिठुरन थी इस ठिठुरन में आत्मा का क्या हुआ, और बाहर निकलने पर जो धूप पड़ने पर जो थोड़ी सी फीलिंग अच्छी आ रही थी उसमें आत्मा का क्या सुधर गया, यहां क्या बिगड़ गया और वहां क्या सुधर गया? अस्पर्श स्वभावी आत्मा को ये ठंडी ठंडी हवाएं ये क्या बिगाड़ने में समर्थ है? और हीटर चला लिया आपने तो क्या सुधारने में समर्थ है, बताओ तो सही। ये जितनी ठंड दिख रही थी और जितनी गर्मी थी, ये ठंड और गर्म ये तो पुद्गल की पर्यायें पड़ी है। हमने तो पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की मुख्य रीति से 8 पर्यायों का उल्लेख शास्त्रों में किया है, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम और ठंडा गर्म। तो किसका है ठंडा गर्म? पुद्गल का, पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है, पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय है ठंडा गर्म। और मैं कैसा हूं? अस्पर्शी, मुझमें स्पर्श ही नहीं है। तो जब मुझमें स्पर्श नहीं है तो ठंडा और गर्म पने की फीलिंग क्यों आती है? अब सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा है, दुखी हो रहा है, मारपीट हो गई, दुखी हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, दुखी हो रहा है, बीमार हो गया, दुखी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सारे दुखों का जन्मदाता है ये देह के प्रति एकत्व बुद्धि। इसलिए अमृत चंद्राचार्य देव ने जो पीछे 23वां कलश कल हमने पढ़ा था, मर पच करके भी एक काम कर लो, इसको बस इससे पीछे छूट जाए आपका, समझ लो फिर सारी शांति शांति है। एक से पीछे छूट जाए, कभी कभी लगता है कि आपको ऐसा बिजनेस में लगता होगा, यार इससे पीछे कैसे छूटेगा, घर में लगता होगा इससे पीछे छूट जाए बस फिर मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, दुश्मनों को देख करके लगता होगा इससे पीछे छूट जाए। आचार्य देव कह रहे हैं बस देह के प्रति एकत्व बुद्धि टूट जावे फिर सारा काम हो गया। देखिए आगे लिखते हैं, दूसरे कलश के माध्यम से आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि जब सर्वज्ञ देव ने, अब देखो किस किस ने कही है, बड़े बड़े लोग ये बात कह रहे हैं, इतनी सरल बात। समोह शरण में महावीर भगवान ने क्या कहा, बोले शरीर अलग आत्मा अलग। अरे यार महावीर भगवान ये तो हम जानते ही थे, ये सुनने थोड़ी ना आए आपसे, कोई नई बात सुनाओ, नई बात सुनाएंगे भाई सौरभ जी, बोलो नई बात सुनाएंगे महावीर भगवान समोह शरण के अंदर क्या बात सुनाते होंगे? अच्छा समोह शरण में जाकर के जब अपन लोग सुनेंगे तो अपने को द्रव्य 6 जानने को मिलेंगे या 7? वहां भी 6,
और तत्व जो है ये अभी कितने जानते हैं आप लोग? अपन सब जानते हैं, सात है। समोच्चरण में कितने? महावीर भगवान भी साथ ही बतलाएंगे। इतने बड़े तीर्थंकर होकर के भी आप भी साथ ही बता रहे हो, ये तो हमारे पंडित जी ने ही बतला दिया था पाठशाला पढ़ाते समय। अरे भैया बात तो इतनी है, सरल है क्या? लेकिन ये सरल बात है वो तो समझ में नहीं आती है हमारे को। मैंने एक छोटा सा काम समझ लो, आप किसी काम के संदर्भ में किसी से जाकर के पूछा तो उसने बहुत आसान सा रास्ता बतला दिया। तो नहीं, ऐसा कोई होता है क्या? इतना आसान थोड़ी ना होता है, चला गया। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं, उन महात्मा जी के पास में जाओ, वो आपको बतलाएंगे रास्ता। तो वो महात्मा जी के पास में गया, बोले महात्मा जी ये कैसे किया जाता है? ये तो उन्होंने रास्ता तो वही था सरल सा, सारी बातें। बोले एक काम कर, पहले पोंछा लगा। क्या ये पोंछा लगा दिया? गाय की सेवा कर, गाय को चारा डाल, अब गाय के दूध निकाल, अब ऐसा कर, अब ये घर का सारा काम कर। बोले अब महाराज बोले महीने भर लगा रहे पहले इसी में, तो महीने भर तक लगाए रखा उसको। बोले अब महाराज बोले अब एक काम कर कि इतना सा काम है। बोले ये तो मुझे पहले ही बतला, इसको ऐसा ऐसा लंबा चौड़ा घुमा फिरा करके बताओ ना तो इसको लगता है कि हाँ कुछ किया। कि साहब मोक्ष कैसे प्रकट होगा? बोले कुछ नहीं, आप बैठे हो, अपने आत्मा को जानो और जानते रहो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इतना आसान है क्या कोई? तो फिर क्या करें? बोले एक काम कर, तो बोले उपवास कर महीने भर के। अच्छा हाँ, अब लग रहा है कुछ कर रहा हूं मैं। बोले इतनी वंदना करके आ शिखर जी, इतनी बार वंदना करके आ, इतने उपवास कर, इतने व्रतादिक धारण कर, ऐसे ऐसे संयम अंगीकार कर, ऐसे कठोर तपश्चरण कर। जब इस तरह से बतलाया जाता है, बोले अब और ये तो कर लिया, ये तो कर लिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं? बोले अब एक काम कर, अब शांति से बैठ करके आत्मा का अनुभव कर, इससे मोक्ष हो जाएगा। तो वह काम तो वही करना है, कितना भी घूम फिर करके आओ। तीर्थंकर परमात्मा के समोह चरण में भी बात तो यही मिलेगी, गुणस्थान तो 14 ही बतलाएंगे, लोग तो 3 ही बतलाएंगे, अस्थिकाय तो 5 ही बतलाए जाएंगे, पदार्थ तो 9 ही कहे जाएंगे, देह और आत्मा भिन्न भिन्न बात तो यही कही जाएगी। भाई साहब इससे ज्यादा क्या बतलाएंगे वे तीर्थंकर परमात्मा? भाई साहब जैसे आचार्य देव ने प्रयोग किया इस तरह का, संवर अधिकार में है, टीका में लिखते हैं जैसे आचार्य देव कि तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में बैठ करके आत्मा तुझे हाथ पर रख करके नहीं दिखाते, वहां भी बातें सिर्फ बतलाई जाती है और तुझे अपने पुरुषार्थ के माध्यम से स्वीकार करनी होती है। अनंत बार सुनकर के आ गया केवली भगवान की वाणी, और उसे सुनकर के भी मात्र कर्णेन्द्री का विषय बनाया, उसका भाव वासन नहीं हो पाया। ये भाव वासन के लिए कह रहे हैं, जरा सुनिए ये जो वाक्य मैं पढ़ रहा था, इस वाक्य से मैं केवलियों तक ले गया। जो शरीर और आत्मा के भिन्नता की चर्चा है, ये बात सर्वज्ञ देव ने बतलाई, नंबर वन। उसके बाद में तत्व मर्मज्ञ आचार्यों ने बतलाई, तीर्थंकरों ने यही बात बतलाई, गणधरों ने यही बात बतलाई, आचार्यों ने यही बात बतलाई, ज्ञानी धर्मात्मा जनों ने भी नए विभाग के द्वारा शरीर और आत्मा के एकत्व को जड़ मूल से ही उखाड़ फेंका है, पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। तो फिर कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है? कुंद कुंदाचार्य देव के सामने तो कोई ऐसा था नहीं, सब अनुभवी। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी समझ में ये बात नहीं आए कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, किसके समझ में नहीं आए? भाई साहब बड़े बड़े शास्त्र पाठियों की जरूरत नहीं है, शमशान में ले जा करके जलाए आते हैं। पूछो जरा हिंदुओं से, मुसलमानों से, रिक्शे वाले से भी कहो, वो भी यही बात कहेगा, भैया एक न एक दिन तो सबको मर जाना है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। अब ये जो बातें हैं, ये बातें रिक्शे वाले को समझ में आएगी कि नहीं आएगी? क्या सही बात है भैया, बात तो यही है, बात तो यही है भाई साहब। मरते न बचावे कोई, ये बातें समझ में आएगी कि नहीं सब्जी वाले को? उसके भी समझ में आ जाएगी। बात तो इतनी सरल है, लेकिन इसको ऐसे लगता है अरे जो बात सब्जी वाले के समझ में आ गई मैं भी वही बात समझूंगा क्या? मुझे तो कोई ऊंची बात बताओ।
बात ही इतनी सरल है भाई साहब, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी समझ में यह बात नहीं आई कि देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है। तात्पर्य यह है कि जिसे निज रस का रस है, ओहो, निज रस का रस है, जो निज रस के वेग से आकृष्ट है, अंदर का रस जिसे आ गया है, अब नहीं भटकेंगे प्रभु, अब अपना रस आ गया है, अब अंदर का आनंद आ गया है, वो आनंद ही कुछ अपूर्व होता है। एक बार वो आनंद चखले वे, एक बार आनंद चखले वे, अब नहीं चाहिए विषय भोग, अब नहीं चाहिए इंद्रियों के विषय, अब नहीं दृष्टि बाहर में जाती है, अब तो प्रभु जी अपनी खबर हमें हो गई, अब नहीं भटकेंगे। वो आनंद कैसा होता होगा सोचिए आप। सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह, वो कैसा आनंद होता होगा। देव लोग तरसते हैं जिस आनंद के लिए, वो आनंद कैसा होता होगा। बावलिंगी संतों को वो आनंद कैसा आता होगा जिस आनंद के पीछे नंगे पांव चल रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, हम तो सदा काल नग्न ही थे, जन्म से ही नग्न थे हम तो। नंगे पांव चल रहे हैं, केश नोच कर रहे हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही है, सर्दी गर्मी भूख प्यास बरसात 22 तरह के परिचय, शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंश मशगनादे हरती स्त्री चर्याणी शद्य शैया क्रोश मधि आशना लाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी, सब 22 तरह के परिचय सब चल रहे होंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे, हो रहेंगे होंगे तो होंगे। ये धारा चलती है अंदर में निज रस, अरे अस्थि की मस्ती में झूम रहे, छह खंड की विभूति में सुख नहीं दिखाई दिया, 99 के चक्कर में उलझा रहा उस पैर में, विभूति में सुख नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो क्या टाटा बिड़ला अंबानी उनको भी पीछे छोड़ दूंगा, छोड़ दो भाई साहब, फिर क्या होगा उसके बाद क्या होगा। अच्छा फिर तो दुख नहीं होगा, एक बात बतलाओ, इन सबको पीछे छोड़ दिया भाई साहब, फिर भी कोई तकलीफ रहेगी क्या देवेंद्र जी है? भाई टाटा बिड़ला अंबानी इन सबको यदि पीछे छोड़ दिया, कल बतलाया था भाई साहब शाम को नाटिका में, इन सबको पीछे छोड़ दिया सेठ जी ने, ठीक है, और अब जो शांति मिली, अब तो नंबर वन हो गए देश में, अब तो तकलीफ नहीं है भाई साहब, अभी तो तकलीफ ऐसी है कि ये इसको मेंटेन करना है, क्योंकि जैसे मैं नंबर वन हो गया वैसे ही दूसरे लोग भी तो नंबर वन होने के चक्कर में लग रहे हैं, अब क्या होगा। और एक बात कहूं, उनको भूख लगती होगी कि नहीं, उनके सर दर्द होता होगा कि नहीं, क्यों नहीं, पैसा बहुत है सरदर्द बिल्कुल, अरे इतना पैसा क्या बात कर रहे हो, इतना पैसा है सरदर्द का नामो निशान नहीं है, ऐसा होगा। उनके पेट दर्द नहीं होता होगा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते होंगे तो भी मनुष्य शरीर जनित जो तकलीफें हैं वे तो भोगनी ही पड़ेंगी, पैसा क्या करेगा, संपदा क्या करेगी, उससे क्या होगा। मनुष्य शरीर संबंधी जो परिस्थितियां हैं, प्रधानमंत्री को जाकर के देखो, नरेंद्र मोदी जी को रात को 1 बजे जाकर के देखेंगे, उनके घर में ऐसे ऐसे बाहर से तलाशें खिड़कियों से देखें, सोते हुए तो दिखेंगे ना, और प्रधानमंत्री भी सो रहे थे, और गजब प्रधानमंत्री तो सोएगा नहीं क्या, मनुष्य ही तो है, क्या हो गया उसमें, वो नहीं सोएगा। अच्छा चक्रवर्ती सम्राट वो नहीं सोता होगा, बाल युवा तीर्थंकर वो नहीं सोते होंगे, भोजन भी करते हैं सोते भी हैं, सुसुपोटी भी जाते हैं, पेट दर्द भी होता होगा, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, सब कुछ होता होगा ना। तो बोले वो जो तकलीफ भोग रहे हैं, और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हाथ पांव दूजने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, हर दस्तक पर तेजी से छींक, मैंने ऐसा सुना है भाई साहब 80 के आसपास के 75-80-90 के आसपास जो लोग पहुंच गए हैं, तेजी से छींक भी आती है तो ऐसा एहसास होता है कि अब प्राण निकले। मैं ऐसा 1-2-3 लोगों से सुन लिया मैंने, ऐसा मेरे को तो फीलिंग नहीं है ऐसी, लेकिन हैं पंडित जी कह रहे हैं अनुभव हो जाएगा तो जरूर होगा, इस भाव में कैसे नहीं होगा, आशीर्वाद मिल गया पंडित जी का, बोले इस भाव में जरूर अनुभव हो जाएगा, आत्मानुभव की कह रहे हैं ना पंडित जी, देह का भी जो स्थिति है, देह की जो स्थिति है ये भी जरूर अनुभव में आएगी, अनुभव में आनी चाहिए, पता लगना चाहिए भाई साहब, ये धारा बहनी चाहिए कि इस पे मेरी चल नहीं रही है,
चल नहीं रही है। ये सब उदय का खेल है। शरीर की परिस्थितियां जो बन रही है ये उदय के हिसाब से बन रही है। भाई साहब पुण्य का उदय कितना आ जाए, कितना पुण्य का उदय आ जाए कि जीव को आत्मा का अनुभव हो जाए, नहीं हो सकता। और पाप कर्म का उदय कितना आ जाए कि जीव को स्वभाव से विचलित करे, बोले सप्तम नरक का नार की घोर पाप कर्म के उदय में आत्मा की अनुभूति कर सकता है। दो परिस्थितियां बतलाता हूं आपको अलग अलग। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो पुण्य के उदय के बिना नहीं होता, कोई काम। भाई साहब बच्चे कहना मान रहे हैं, घर में व्यवस्थाएं चल रही है, जो भी परिस्थितियां बन रही है उनके बारे में एक बार गंभीरता से सोचना, बिना पुण्य के उदय से नहीं होता अनुभव, ठीक है ना। बिना पुण्य के उदय से कोई काम नहीं होता और पाप कर्म के उदय में कोई काम नहीं होता। माने जितने जगत में काम होते हुए दिखाई देते हैं सब पुण्य उदय से होते हुए दिखाई देते हैं, जितने काम हो रहे हैं और जितने बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं वे पाप कर्म के उदय से बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एकमात्र आत्म स्वभाव का अनुभव ऐसा है जिसके लिए पुण्य के उदय की जरूरत नहीं है, जो पुण्य के उदय का मोहताज नहीं है। ये स्वरस जिसकी चर्चा यहां कही, स्वरस भरित, स्वरस से भरा हुआ अतिंद्रिय आनंद रस में निमग्न ये जो आनंद है, बोले सप्तम नरक के नार की घोर प्रतिकूलताओं का वेदन उस काल में भी अपने पुरुषार्थ पूर्वक आत्म तत्व की अनुभूति कर सकता है। और नौवे ग्रहवेक का अनुकूलताएं सर्वोत्कृष्ट दिखाई दे रही है। नौवे ग्रहवेक का देव हो लेकिन पै निज आत्म ज्ञान बिना, बोलो लेश मात्र भी सुख शांति नहीं है, क्या कहें। तो जो तात्पर्य यह है कि देह को जिसने निर्मूल कर दिया है, जड़ मूल से उखाड़ करके बाहर फेंक दिया है, जो निज रस के वेग से आकृष्ट है, प्रस्फुटित है, स्फुरायमान हो रहा है, उत्साहित है, उसे तो यह बात अवश्य ही समझ में आएगी। किसे? जो उत्साहित है उसे यह बात समझ में आएगी। हम लोग सब प्रवचन सभाओं में ऐसे आकर के बैठते हैं, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। पंडित जी साहब कोई नई बात सुनाना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो हमने पढ़ लिया, देखो प्रवचन भी कर दिए, बहुत बार पढ़ लिया और बहुत बार प्रवचन भी कर लिए, एक एक लाइन पढ़ ली है। तो अब आप प्रवचन करो तो कोई नई बात बतलाना मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। नहीं, समय सार कलश भी पढ़ लिया, कोई नई बात बताओ। अब नई कहां से लाएं? सच कहूं यदि आपको बुरा मत मानना, लेकिन महावीर भगवान ने भी कोई ऐसी नई बात नहीं बतलाई थी जो पार्श्वनाथ स्वामी ने नहीं बताई हो। पार्श्वनाथ भगवान ने भी कोई ऐसी नई बात नहीं बतलाई थी जो पूर्व के 22 तीर्थंकरों ने नहीं बतलाई हो। नई क्या है? नई क्या है? नई किसका नाम है? नई उसे कहते हैं आज तक जानी नहीं है और आज सुनी है तो हमें नई लगती है। नयापन किसका नाम है? हमारे अनुभव में नहीं आया, हमारी फीलिंग में नहीं आया, इसलिए हमारे को नया लगता है। नया कुछ नहीं होता है, नया नया कुछ नहीं है। यहां हमने अनुभव नहीं किया, अनुभूति कोई नई होती है क्या? अनादि काल से जीव आत्मानुभव संपन्न होते रहे हैं, मुक्ति कोई नहीं अपने को होगी। हमने अनुभव नहीं किया इसलिए हमारे लिए नया है। भाई साहब उत्साह से ये कह रहे हैं, कौन उत्साहित व्यक्ति ऐसे होगा जिसके ये बात समझ में नहीं आएगी। यह कहकर आचार्य देव इस प्रकरण को यहीं समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस कलश के बाद ही आचार्य अमृतचंद्र तत्काल लिखते हैं कि इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने 26वीं गाथा में, 26वीं गाथा अप्रतिबुद्ध ने लिखी थी, 26वीं गाथा अप्रतिबुद्ध ने लिखी थी। किसने लिखी है? अप्रतिबुद्ध की तरफ से लिखी है कुंद कुंद स्वामी ने। इस गाथा में जो युक्ति रखी थी उसका निराकरण कर दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 26वीं गाथा से आरंभ और 33वीं गाथा पर समाप्त इस प्रकरण में निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति का स्वरूप तो स्पष्ट हुआ ही है। इस पूरे प्रकरण में 26 से 33 तक की इन 8 गाथाओं में निश्चय और व्यवहार स्तुति का प्रकरण तो स्पष्ट हुआ ही है। साथ में आत्मा और शरीर की अभिन्नता, आत्मा और शरीर की अभिन्नता भी स्पष्ट हो गई। क्या कह रहे हो? कि हाँ व्यवहारने से
और भिन्नता का स्वरूप भी भली भांति स्पष्ट हो गया। आत्मा और शरीर दोनों की भिन्नता भी और आत्मा और शरीर दोनों की अभिन्नता भी। अरे भैया, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से, ये संयोग और परद्रव्य और शरीर इनसे एकत्व पना भी है, कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये जो भेद विज्ञान की बातें कही है, यहाँ आगे बढ़ करके जो बात कह दी है कि शरीर और आत्मा एक कदापि नहीं हो सकते हैं, यह विषय वस्तु भी अत्यंत स्पष्ट हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? हुई तो नहीं है, क्या करो अब? अब हुई नहीं है, अब कह सकते नहीं है इस बात को, अब क्या बोले पंडित जी? भाई साहब, बहुत सरल मार्ग है, बस बात पूरी हो गई है मेरी, यहां जो मुझे आज कहनी थी, अत्यंत सरल मार्ग है, यही काम करने योग्य है, इसी का अनुभव करने योग्य है, इसी का लक्ष्य करने योग्य है, इसी की दृष्टि देने योग्य है। चारों तरफ से दृष्टि हटा करके चैतन्य रस का रसास्वादन करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करो तो काम बने, एक ही काम है भाई साहब, जो अनादिकाल से आज तक नहीं किया। खूब लड्डू पेड़े खाए हैं, मक्खन बड़े खाए हैं, दुनिया भर के काम किए हैं, खाना पीना भोगना सब कुछ किए हैं, ऐसे कोई खटकर्म नहीं है जो हमने आज तक कभी किए नहीं। खूब व्यसन भी किए, खूब भोगे भी, खूब जितने जो जो हो सकता है मिथ्यात्व की भूमिका में सब कुछ किया। यदि नहीं किया तो एकमात्र आत्म अनुभव नहीं किया, यदि नहीं किया तो एकमात्र अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं किया। एक बार अपने स्वरूप का लक्ष्य करें तो सर्व प्रकार के दुख सदा सदा के लिए मिट जाएं। ये दुख मिटाने का मार्ग है, ये समय सार की चर्चा है, कल चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। उस आगे वाली चर्चा में 34-35 नंबर की गाथा आगे चलेगी, रन्नौद में शुरू करेंगे इस प्रकरण को, भेद विज्ञान क्या है, प्रत्याख्यान क्या है। तो साहब, जब इतनी बातें कह दी, आप इतनी बात कह रहे हो, तो क्या त्याग व्याग नहीं करना पड़ेगा क्या कुछ भी पंडित जी? प्रश्न तो उठता ही है ना फिर, आपने तो इतना सरल बता दिया, बैठे बैठे अनुभव करो, चले जाओ, काम हो गया, तो कोई त्याग व्याग नहीं कराओगे पंडित जी कुछ? आप कराते हो कि नहीं कुछ सभा में? थोड़ा त्याग कर दो, ये कर दो। तो फिर आचार्य कुंद स्वामी हृदय में बैठ करके देख रहे थे कि तेरे अंदर में क्या चल रहा है, तू चिंता मत कर, हम त्याग भी कराएंगे। कहाँ कराएंगे? यहाँ नहीं कराएंगे, कल कराएंगे रन्नौद में। नहीं, आज शाम को कोलारस के अंदर तो उस पे चर्चा करने वाला हूं, मकर संक्रांति के ऊपर। आज शाम की चर्चा, विशेष चर्चा मकर संक्रांति स्पेशल के रूप में आज करने वाले हैं। तो जो भी साधर में सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, अपने साथियों को बता सकते हैं, सूचना दे सकते हैं कि अलग हटके चर्चाएं नहीं सुनी होगी, पहले मैंने सुनाई है, कभी सुनी हो तो सुनी हो, दोबारा करेंगे, नए एंगल से करेंगे, नई बातें बतलाएंगे आपको। मकर संक्रांति का पर्व है ना आज के दिन, है नहीं है? पता नहीं, शाम को करेंगे बात। लिंक दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी विधान की।